हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशुमन एंड आप सबको मेरी तरफ से हर महादेव। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑल हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सन्नी आर्या के बारे में। तो गाइस यार, मेरी कल के दिन भी एक वीडियो आई थी जिसमें यार हमारे सन्नी आर्या भाई को इविक्ट कर दिया गया था, एंड साथ में उनकी पत्नी ने यार कुछ वो बोली भी थी, एंड साथ में आज वो अरुण भाई के लिए कुछ बोली है कि यार हमारे अरुण भाई के लिए हमारे सन्नी आर्या भाई ने कुछ इस टाइप से मतलब उसकी लड़ाई करी, एंड वो क्या कुछ बोली यार, एक आपको मैं छोटे से क्लिप दिखाता हूँ, देखिए। देखो अभी तक मुझे ये नहीं पता कि सन्नी आ चुके हैं, इविक्ट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, ये तो कल के एपिसोड में ही पता लगेगा। लेकिन मैं आप सबको एक बात बहुत मेरे मन में मैं रखना नहीं चाहती थी, मेरे को मन था कि मैं आपको बता दूं कि गाइस सन्नी ने अगर अरुण के चक्कर में ऐसा करा है ना, तो आप सब बिलीव करना कि मुझे सच में बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि सन्नी ने अगर उसके लिए स्टैंड लेके और ऐसा किया। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है, शायद सन्नी का थोड़ा सा एग्रेसिव होना गलत था, बट मैं सच बता रही हूँ, जब हम किसी से प्यार करते ना, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं इतना जानती हूँ, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो हम उसके लिए ना कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये ह्यूमन नेचर है एक। तो मेरे को पता है कि सन्नी कहीं ना कहीं, सन्नी का एक ब्रदर थे बड़े भैया हमारे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा दिल ये कहता है, क्योंकि मैं सन्नी के साथ रहती हूँ तो मुझे पता है सन्नी के नेचर के बारे में, वो कहीं ना हैप्पी भैया को उनमें देख रहे थे, अरुण भैया में, वो इतने टाइम से उसके साथ था, उसमें कहीं ना कहीं उसने अपने भाई को देखा उसमें, तभी वो इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाए। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर सन्नी उनके चक्कर में अगर फाइट करके ऐसा हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम खुश हैं कि आपने आज तक इतना सपोर्ट किया है। बट मैं यही बोलूँगी कि इतनी जल्दी इविक्ट नहीं करना चाहिए था, अगर 1% इविक्ट हो गए हैं तो, क्योंकि समझना चाहिए था कि प्यार है, तो वो भी अभिषेक भी एग्रेसिव होता ही है ईशा के लिए, तो ये रॉन्ग है। तो गाइज आप सब लोग यार देख सकते हो यहाँ पे सन्नी आर्या की पत्नी यार थोड़ी सी सैड दिख रही है, एंड साथ में यार वो बता भी रहे कि उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो गाइज आप सबका इस चीज पे क्या ओपिनियन है, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड गाइज यार ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, हमारे सन्नी आर्या भाई यार मतलब बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं, जैसे वो विक्ट होकर मतलब अभी अंदर रहेंगे। तो अगर गाइज हम लोग अगर कुछ भी अपडेट्स मिलते हैं तो हम आप लोगों को जरूर देंगे, एंड आप लोग यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी ऑल कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।